बिहार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा आज सूफी संत हजरत ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इबारतों में मखमल चादर और अकीदत के फूल पेश कर अपनी जीत और तरक्की के लिए दुआ मांगी। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा आदमी को रुकते ही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हुसैन चिश्ती की दरगाह पहुँचे, जहाँ दरगाह के गद्दीनशीन खादिम सैयद मुकद्दस मोइन ने ज़ियारत कराई और दस्तारबंदी कर दरगाह का तब्दील भेज दिया। राजेंद्र सिंह गुड़ा ने ज़ियारत के बाद दरगाह दीवान बेन लावेरी ने खान से मुलाकात के दौरान काफ़ी देर तक चर्चा के बाद उन्होंने दरगाह दीवान साहब का भी आशीर्वाद लिया। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र सिंह गुड़ा ने कहा कि वे हजरत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह की चिश्ती की दरगाह से बर्दाश्ता रखते हैं और यही वजह है वे आज हजरत ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह में अकीदत का नजराना पेश करने पहुँचे हैं। इस दौरान उन्होंने दरगाह दीवान साहब से मुलाकात की और दीवान साहब का आशीर्वाद भी लिया। दरगाह के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि हजरत ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह गंगा जमुना की तहजीब है। इस तरह के सवाल लोगों को मानसिकता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में वह फिर से राजस्थान में लोगों की सेवा करने में जुटना चाहते हैं। इसी आशीर्वाद लेने के लिए आज ख्वाजा करीम नवाज की दरगाह पहुँचे हैं और दीवान साहब का भी आशीर्वाद लिया है और दीवान साहब ने ख़ास दुआ की है उनके लिए कि जल्द ही इनको कामयाबी मिले। शुरुआत करते हैं अपनी अल्लाह ताला ने सामने भी अब दुआ दे दो जो नेक मकसद लेकर के और जो नेक मुराद लेकर के तो में हाजिर आस्थान है अल्लाह ताला इनकी उन नेक मुरादों को पूरा करते हुए इनकी उम्र इकबाल में बरकत से फरमाते हैं, इनको अरबला और आपस से महफूज रखते हुए इनके खानदान को खुशहाली अता फरमाते हैं, इनको इनकी परंपराओं के हिसाब से जो इनको शिक्षाएं मिली हैं उसके ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाने के साथ साथ जन तक की जो है सेवा करने का इनको अवसर प्रदान मैंने गरीब नवाज ख्वाजा के यहाँ मेरी अर्जी लगाई है और इस अर्जी से कि हम जनता की खिदमत करने के लिए गरीबों और मजलूमों के साथ हम इंसाफ कर सके और उसके लिए यहाँ दुआ करने के लिए आया हूँ और हमारे खादिम साहब है दीवान साहब उनके पास अपनी हाजिरी लगाई है और उन्होंने भी मेरी दुआ की है और शायद हम राजस्थान की आवाम के लिए और राजस्थान के गरीब और मजलूमों की हिफाजत के लिए उनके साथ इंसाफ के लिए उनकी खुशहाली के लिए अच्छा कुछ कर पाए। मैं चुनाव राजेंद्र गुड़ा आज़ाद लड़ रहा हूँ। वर्तमान में आप देखा जाए कि दरगाह पे भी कई नहीं हमारा ताना बाना इसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। जो हमारा बरसों से जो ताना बाना बना हुआ है ये हमारी खूबसूरती है और ये इसको नहीं छेड़ा जाना चाहिए। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कई लोग पर आरोप लगाकर अपने आप को फेमस करने की वो करते तो उसके लिए क्या मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता।